अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दही फुल की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने 1 कप भर के बेसन ले लिया है। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और यहाँ पे हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची 2 लिया है मैंने, और 1 छोटी प्याज जो मीडियम साइज़ की बारीक कट कर लिया है, और 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अब इसको मिक्स करके एक घोल बना लेंगे ताकि हम भजिया डाल सकें। और हमें ऐड करना है उसके अंदर मीठा सोडा, जो हम भजिए में डालते हैं वो भी ऐड कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे कि ना हम ऐसा हो फुल्की डाल सके तेल में। देखिए ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं। अब इसको साइड में रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। इस दही को अभी क्या करना है, मिक्सर में 10 सेकंड के लिए हम चला लेंगे, क्योंकि हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सर में करेंगे तो बहुत ही अच्छा क्रीमी जैसा हो जाता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो इसको घुमा लेते हैं। तो देखिए मैंने घुमा लिया है, कितना अच्छा क्रीमी हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर को धो के उसका पानी ऐड कर देंगे, फेंकेंगे नहीं। तो देख सकते हैं मैंने पानी ऐड की दी, ये इतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब इसको भी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। इसमें हम नमक और काला नमक दोनों ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे उसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा 1 चम्मच भर के, चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसको भी साइड में रख देंगे। यहाँ पे तेल भी गर्म हो चुका है। अब एक एक करके डाल देते हैं, एक एक करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे पैन में सब आ गए हैं, तो मैंने सारे ऐड कर दिया है। आपके पैन में जितने आएंगे आप उतने फ्राई करिएगा। तो इसको ब्राउन कर लेते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हमें इसको निकाल लेना है। ये देखिए कलर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। सारे को निकाल लेंगे। तो देख सकते सब निकाल लिया है। अभी ये गर्म है तो 2 मिनट के लिए हम ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद दही में ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हो चुका है ठंडा। अब हम इसके दही के अंदर ऐड कर देंगे सब। तो देखिए पूरा ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो देख सकते तड़के के लिए पैन मैंने रख दिया है गर्म पे, और मैंने 1 अक्खी लाल मिर्ची, ज़ीरा और कड़ी पत्ता लिया है। अब सब ऐड कर देंगे। तो देखिए तड़का रेडी है, आप डाल देते हैं दही में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तड़का डालने से पहले एक और चीज़ मुझे ऐड करना है, जो है लहसुन का पेस्ट। सिर्फ लहसुन, बाकी और कुछ नहीं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमें तड़का ऐड कर देना है इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स तैयार है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना है। अफ्तारी में आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।